को समझना बहुत जरूरी है, हर किसी के लिए है, किसी मुस्लिम के लिए नहीं है, ये सबके लिए है ये, और सब लोग इसमें फंसेंगे, मारे जाएंगे सब लोग, सब की हालत बहुत बुरी होने वाली है। दूसरा, अब आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, एनपीआर जो 1 तारीख से शुरू होने जा रहा, मेरा सबसे निवेदन, इस एनपीआर का पूरी तरह से बायकॉट हम लोगों को करना है, कोई इंफॉर्मेशन, एक भी इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, जिसने दी वो फंसेगा, अगर जिसने कोई छोड़ भी दी थोड़ी बहुत वो भी फंसेगा, फंसना निश्चित है, क्योंकि नाम शब्दों में जो है, नाम में जो शब्दों में हेर फेर होना, स्पेलिंग मिस्टेक होना, ये आम बात है हमारे यहां पर, हमारे देश में, तो वही फंसेगा। सो इसको कंप्लीट बायकॉट हमें करना है, और बायकॉट कैसे करना है कि जब 1 अप्रैल से कोई भी सरकारी कर्मचारी, जैसे कौन आएगा, स्कूल के मास्टर आएंगे, प्राइमरी स्कूल के जो आपके आंगनवाड़ी महिलाएं हैं वो आएंगी, या जो BLO हैं वो आएंगे, वो आके पूछेंगे आपसे, प्यार से पूछेंगे, बैठेंगे आराम से, इस तरह से आपको झांसे में फंसाएंगे, आराम से बैठ जाएंगे, और क्या हाल है, घर में सब ठीक ठाक है, कौन कौन है घर में, और जो आप बताते रहोगे वैसे ही नोट करते रहेंगे, आप पहले सबसे पहले उससे पूछो कौन है भाई, आप कहाँ से आए हैं, जो बताएगी इस तरह से हैं, जब कन्फर्म हो जाए वो हैं, तो आराम से उसे बिठाओ, चाय पिलाओ, पानी पिलाओ, चाय पिलाओ, बिस्कुट नमकीन खिलाओ, बहुत प्यार से उसे, और मुंह पे लगा लो ताले, वो कुछ भी पूछे कुछ नहीं बताना, मौनी बाबा बन जाना है, बिल्कुल मौन धारण करना है, कोई इंफॉर्मेशन किसी भी तरह से, एक भी इंफॉर्मेशन NPR में देनी नहीं, इसका कंप्लीट बायकॉट करना है, देश के लोग तभी बच पाएंगे, अन्यथा नहीं बच पाएंगे, मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है। सर आप जो कह रहे हैं कि NPR में कागज नहीं दिखाएंगे हम, तो सर सरकार ये कह रही है कि जो कागज नहीं दिखाएगा ना वोट में हिस्सा दे सकता है ना चुनाव लड़ सकता है। देखिए ये सरकार का डराने का कोई बात नहीं, सरकार डराने की बात करे, अगर आप ले भी लिया, चलिए आपने कागज दिखा दिया, मैं कह रहा हूं कि जो वो कह रहे हैं कागज दिखा दिया आपने, वोट में हिस्सा लेने की बात है, ठीक है ना, अगर दिखा दिया और तब भी आपको डाउटफुल में कर दिया, आप मुझे बताओ क्या बता पाओगे आपके माता पिता का स्थान क्या है, आप अपनी जन्मतिथि बता दोगे, आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट, हो सकता है आपके माता पिता का बर्थ सर्टिफिकेट है क्या, पूछना भी जाके आप, पता लग जाएगी आपको। सो जो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे परिवार हैं, क्योंकि जन्म और मृत्यु का सर्टिफिकेट रखना तो ये अभी ज्यादा ज्यादा आप समझ लो 20-22-25 साल मैक्सिमम 30 साल तब से हुआ है इतना, नहीं तो इससे पहले कौन रखता था, कोई नहीं रखता था। और गांव में तो आज भी जो दाइयां जो हैं वो जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें वो मदद करती हैं बच्चे पैदा होने में, कहां के हॉस्पिटल का रिकॉर्ड है क्या, और ये कहेंगे कि हॉस्पिटल से रिकॉर्ड लेकर आओ, तो जो बच्चे हॉस्पिटल में पैदा नहीं है वो कहां से रिकॉर्ड लेकर आएंगे, ये उसको मानेंगे ना, कहां से लाएंगे आप, और आप यहां हमारे बुजुर्ग रह रहे हैं, हम रह रहे हैं, सब रह रहे हैं, तो कहां से, क्यों हमें आप निकालने की बात करेंगे। तो ये जरूर सरकार डराने की कोशिश कर रही है, इस पर लड़ाई भी होगी, संघर्ष भी होगा, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आज आपने सरकार से डर गए, आप सरकार के झांसे में आके आपने कोई भी इंफॉर्मेशन दे दी, कुछ दे दी, कुछ छोड़ दी, आपका फंसना निश्चित है, फिर आपको कोई बचा नहीं पाएगा। इसलिए सरकार से संगठित होके, इकट्ठे होके सबको लड़ना है, ये सबकी लड़ाई है, किसी एक की लड़ाई नहीं है, सबकी लड़ाई है, सब इकट्ठे होकर लड़ेंगे तो सब बच जाएंगे, अगर बिखर के लड़ेंगे, जो ये बिखरने की कोशिश कर रही है सरकार, झांसे में लाने की कोशिश कर रही है, सब लोग मारे जाएंगे। मैं बहुत स्पष्ट रूप से इन शब्दों में कह रहा हूं, इसलिए 1 अप्रैल से होने वाले NPR का कंप्लीट बायकॉट, पूरी तरह से कोई सूचना नहीं देनी, ये मेरी पर्सनल जो इंफॉर्मेशन है, और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, और मैंने आपको बता दिया 25 अगस्त 2017 का 9 जजेस का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है, निजता का अधिकार बहुत जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया है, और ये मेरी निजी इंफॉर्मेशन है, इन्हें देने की कोई जरूरत नहीं है, कोई मुझ पर दबाव नहीं डाल सकता।